फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज अड्डा। दिस इज ज्योति नाहक। और दोस्तों, घर में नए लग्जरी बजट के साथ साथ, नए हफ्ते के साथ जैसे ही नया लग्जरी बजट टास्क आता है, वैसे ही घर की इक्वेशंस डेफिनेटली चेंज होने लग जाती हैं। जी हाँ, कलर्स के एक हाल ही के वीडियो में ये प्रोमो टेलीकास्ट किया गया है, जहाँ पे दीपिका जो है वो हैप्पी क्लब को इन्फ्लुएंस करती नजर आ रही हैं। जी हाँ, थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है ऑफकोर्स, पर दीपिका जो है वो कैप्टनसी टास्क में हैप्पी क्लब का सपोर्ट मांगती नजर आ रही हैं। वो हैप्पी क्लब यानी रोमिल, सुरभि, दीपक और सोमी, इन चारों के पास जाती हैं और उनसे उनका सपोर्ट मांगती है केवी के अगेंस्ट, यानी जो नया लग्जरी बजट टास्क आया है इधर का उधर, उसमें कहीं ना कहीं जो अब एक डिफरेंस जो नोटिस में आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि केवी हो गए चाहे दीपिका हो गई, ये जितने भी लोग हैं जो वुल्फ क्लब के थे, कहीं ना कहीं अब वो हैप्पी क्लब के सपोर्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। हालांकि खुद पूरा हैप्पी क्लब नॉमिनेटेड है, लेकिन डेफिनेटली ये दीपिका की एक स्ट्रैटेजी है कि क्योंकि उन्हें कैप्टन बनना है, अभी तक दीपिका एक बार भी कैप्टन नहीं बनी है, उसके चलते उन्हें कैप्टन बनना है, इसके वजह से शायद ये है। बट मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि दीपिका जेन्युइनली दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है हैप्पी क्लब की तरफ, या फिर उन्हें वुल्फ क्लब की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहे श्रीसंत हो, उनकी और श्रीसंत की इक्वेशन खराब हो गई है और वो जेन्युइनली सिर्फ स्ट्रैटेजी के वजह से ऐसा कर रही हैं। तो जो भी आपके व्यूज है, प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।